हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल जो चैनलिंग मैसेज मैं दे रही थी आपको, एनर्जी जो डीएम की, जो मैं वीडियो बीच में ही रुक गया था, ठीक है, क्योंकि पता नहीं 11:13, 11:15 कुछ हो रहा था ना, जो भी है, तो इसी मिनट में रुक जा रहा है वीडियो, तो पता नहीं, आई डोंट नो कि वहीं पे क्यों रुक जा रहा है वीडियो। तो कल की जो रह गई थी चैनलिंग वो, और जो गाना चैनलिंग सॉन्ग था वो, ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ। डीएम की फीलिंग्स अभी जो है, मैं बता रही थी कल आपको, कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, तो उसका कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, कि अभी जो डीएम है वो आपसे कम्युनिकेट करना ही चाहते हैं और एक्शन पे आ गए हैं कि अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। इतने दिनों से सिर्फ हाँ डीएम करेंगी तो वेट कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब उनको पता है, रेग्रीगेट कर रहे हैं वो अपने आप को कि मेरी गलती थी वहां पे, लेकिन फिर भी अभी वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतने आसानी से कि मेरी गलती थी करके, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कम्युनिकेट 100% आपसे करने वाले हैं और करेंगे ही। उनका अभी वो उनका दिल से वो कैसे भी करके मैं कम्युनिकेट करूं अपने डीएम से, मुझे बात करनी है, बहुत ज्यादा फील कर रहे हो इस बात को, ठीक है। और उसी के साथ में ये कि वो अभी इमोशंस के तरफ बढ़ने लगे हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन अपने दिल से काम लेती है ना, लॉजिकली कम सोचती है और इमोशनल से ज्यादा सोचती है, वैसे ही अभी डीएम जो है, ये जो शिफ्ट है उसकी वजह से क्या है कि वो ज्यादा दिल से सोचने लगे, अब इमोशन होने लगे, इमोशनली सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि, और फिर वो जो चीजें थी जो डिवाइन फेमिनिन ने कभी उनके साथ बोली थी, तो उसके पीछे रहस्य क्या था, उसके पीछे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपने कभी उनको स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कुछ ऐसी चीजें बोली थी, उन चीजों को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और बहुत जल्दी वो आपसे कम्युनिकेट करने वाले, उनके लिए बता रही हूँ जो कि अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर लिया है, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप में ही खुश रहने लगे, अपने डीएम को अपने अंदर ही महसूस करने लगे, उनके लिए बता रही हूँ ये चैनलिंग मैसेज, ठीक है। डीएम जो बहुत अच्छे से इनर वर्क करके टेलीपैथी के थ्रू अपने डीएम को अपने ही अंदर फील कर रही है, बहुत खुश रहने लगी है, डीएम जहां पे भी है खुश रहे ऐसा जो फील कर रही है, कि आने या ना आने से भी जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल अपने डीएम से बिल्कुल अनकंडीशनली प्यार कर रही है, ठीक है, उनके लिए है ये चैनलिंग। तो अब जो डीएम है ना वो बिल्कुल एक्शन पे आ गए, बिल्कुल कि मुझे कहीं ना कहीं से कैसे भी करके कम्युनिकेट करना ही है अपने डीएम से, और वो सडनली आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। तो कल की जो चैनलिंग रह गई थी वो कम्प्लीट कर रही हूँ इसमें, और उसी के साथ में अब वो जो चीजें आपने कभी स्पिरिचुअलिटी की चीजें उनको बताई थी ना, तो उसके पीछे में क्या रहस्य है, और अभी कुछ तो डीएम ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन पे अपना फोकस करने लगे हैं और मेडिटेशन करने की तरफ सोच भी रहे हैं, और कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया है, यहां तक के भी हो रहा है अभी कि क्या है, मेडिटेशन करना ही पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो इस इमोशन से बाहर निकलने के लिए उनको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट उनको बढ़ रहा है और कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिटेशन में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, किस प्रकार से करूं, क्या करना है, थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया, ठीक है, करना भी शुरू कर दिया। अब बहुत ही खुशी की बात है ये, और जो मैं कल बता रही थी उसी का कंटिन्यूएशन ही खत्म हो गया है अब, जहाँ तक के मुझे ये चैनल हुआ उसके हिसाब से मैंने बता दिया आपको कि कभी भी आपको हाँ सरप्राइज भी मिल सकता है, किस भी प्रकार से कोई भी सरप्राइज मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपके सामने आगे खड़े हो जाएंगे, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरप्राइज तो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द ये। लेकिन ये जो 8 दिन है आपको बहुत ही अच्छे से निकालने हैं, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम सब करना ही है आपको, चक्रा हीलिंग करनी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान देना, अपना सोल पर्पज जो भी कर रहे हो वो भी करना है, अच्छे से अपना आप काम बिल्कुल करते रहना है आपको, ठीक है, करते रहेंगे तो कभी भी किसी को भी सरप्राइज मिल सकता है, तो वो तो देखेंगे, जिनको सरप्राइज मिलेगा आप बताना जरूर, हाँ। तो उसके बाद में चैनलिंग सॉन्ग के हिसाब से जो चैनल हुआ है उसमें बताया गया है कि अब जैसे डिवाइन फेमिनिन ने अपने डीएम को ना रह रह के बहुत गुस्सा थी पहले स्टार्टिंग में कि मेरे डीएम ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला करके, लेकिन दिल जो है ना वो मानता ही नहीं और उनको माफ करना ही पड़ा, नेचुरली उनको माफ कर दिया गया है, डीएफ ने अपने तरफ से माफ कर दिया। उसी प्रकार से डीएम जो कि बहुत ज्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे थे,
और लॉजिकली सोच रहे थे लेकिन इमोशनली सोचने लगे ना अभी, तो वो अभी कैसे मतलब कि वो ऐसे सोचने लगे कि मैं भी अपने दिल से हार गया, मतलब दिल ने मुझे हरा दिया, ये लॉजिकल माइंड कुछ काम नहीं करने वाला, मेरा दिल मेरे हाथों में नहीं, मेरा दिमाग जो है, मेरा दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, लेकिन मैं दिल से हार गया, मतलब दिल जो है मेरे लॉजिकल माइंड को कुछ काम नहीं करने दे रहा है मुझे, बस मैं इमोशन होते जा रहा हूँ। ये एक बात उन्होंने सीखी। और जो भी वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए उनको क्या कि अब छोटा मोटा जैसा भी काम मिलता है मुझे करना ही है, ये उनको समझ में आ गया। और कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया अपने काम को कि फाइनेंशियली स्टेबल अगर नहीं हो रहा हूँ, बड़ा जॉब नहीं मिल रहा तो छोटे जॉब से भी मुझे काम चलाना पड़ेगा, इसलिए छोटे जॉब में भी ज्वाइन हो चुके हैं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो फाइनेंशियली स्ट्रगल हो रहे थे कुछ दिनों, कुछ लॉकडाउन की वजह से भी हो सकता है, तो वो भी अपना काम छोटा मोटा शुरू कर दिया कि मेहनत पे उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। अपने डीएफ की तरफ देख रहे हैं वो कि डीएफ कहाँ है, कहीं दिख जाए मुझे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे फील कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में दिखती तो और उनको खुशी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर डीएफ ने आजकल क्या कर दिया कि अपना सोशल मीडिया ही मतलब दिखा नहीं रही है कि कहीं से भी मेरी एनर्जी मेरे डीएम को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे अपने इसमें ही मधुरता से रहने लगी। और जो डायरेक्टली उसी शहर में जो रहते हैं, सेम शहर में या आसपास में रहते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया कुछ डीएम ने, काफी दिन हो गए इस बात को भी कि वो क्या कर रहे हैं कि उन्हीं के घर के बाजू में जाके अपना घर बना मैंने तो लिटरली ये भी हुआ है कई लोगों के साथ में कि डीएफ बस दिख जाए तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी करके उसी मोहल्ले में रहने के लिए भी चलेगा, आते जाते देखने के लिए उस गली से गुजरने लगते हैं वो डीएम और डीएफ को देखने के लिए कि बस वो दिख जाए, एक झलक दिख जाए तो मुझे एनर्जी मिल जाएंगी ऐसे भी बहुत केसेस देखने को मिले हैं, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो कभी भी सडनली अगर आपने बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर लिया है तो सडनली आके अब आपका उनका भी थ्रोट चक्र अच्छे से ओपन हो चुका है, और ये जो शिफ्ट है वो जो अभी जो हमारा थ्रोट चक्रा जो है हमने भी अपना वर्क करना शुरू कर दिया, और ये जो नेचुरली जो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू जो है उनका चक्रा जो है ओपन हो रहे हैं सब डीएम के भी, तो उस वजह से क्या है कि थ्रोट चक्रा भी बहुत अच्छे से उनका वर्क करने लगा है, तो वो भी कभी भी अपनी दिल की बात बताने के लिए बता सकते हैं डीएफ को, तो ये बताने के चांसेस ज्यादा है, बता ही देंगे मैक्सिमम डीएम तो अपनी दिल की बात बता ही देंगे। अब उनके थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक्ड थे वो ओपन होने लगे हैं, तो इसलिए क्योंकि इतनी मेहनत जो डीएफ ने की है, इतनी मेहनत जो डीएफ ने बहुत मेहनत करके अपने आप को संभाला है, कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल चुकी है, बिल्कुल भगवान को सरेंडर कर दिया, भगवान को प्रायोरिटी में रखा है और सब कुछ कर रही है अपना सोल पर्पस करने के लिए, यूनिवर्स का पर्पस पूरा करने के लिए अपना ध्यान रखा है पूरा, उनको तो सरप्राइज मिलने ही वाला है। ठीक है, और ये गाना जो चैनलिंग हुआ है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वो जरूर देखने का है आपको और उसमें समझना है आपको क्या समझता है। तो अब वो क्या सोच रहे हैं, डीएम किस प्रकार से सोच रहे हैं, और डीएफ भी एक तरह से अपना इनर वर्क करते हुए उनका भी थोड़ा बहुत उनको भी याद आ रही है अपने डीएम की, ऑफकोर्स आएंगी ही ना, लेकिन आ रही है, लेकिन अब वो तड़पने वाली, डेस्परेशन वाली, नीडीनेस वाली नहीं है, अब तो बिल्कुल अपने अंदर ही महसूस करने लगी अपने डीएम को पूरी तरह से। ठीक है, ये इतना हो गया। अब और कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस के आंसर यही पे दू कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दू, फिर वेट करना पड़ेगा आपको, तो लेकिन वीडियो बड़ा बन जाता है तो फिर आपको बोर हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, मैं शाम को और एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट, उसके लिए आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर देने के लिए, जो आपके कमेंट बॉक्स में कल बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, परसों भी आए थे, तो सभी न्यू सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम है मेरे चैनल पे। और हाँ, आज न्यू मून है, शिट यार मैं बताना भूल गई, न्यू मून मैं आप लोगों को सबको गोल्डन मेडिटेशन, दान पुण्य काम और इनर चाइल्ड पे काम करना है, इनर चाइल्ड का वीडियो बना हुआ है मेरे, इसमें इनर चाइल्ड को कैसे हील करते हैं गाइडेड मेडिटेशन, या फिर आप ओन से भी कर सकते हो अपने खुद से भी विजुअलाइजेशन करके, बचपन के अपने उस हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हुए अपने आप को दिलासा देना, जहां पे भी आपको तकलीफ है वहां पे भी दिलासा देना,
हर चीज करनी है, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।